हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डेटाबेस एब्स्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक आपने हमारे चैनल को विजिट नहीं किया तो इस चैनल को विजिट करें, टेक्निकल गुरु वीके। यूट्यूब में जाके टेक्निकल गुरु वीके नाम से सर्च करें तो यहाँ पे हमारी सभी वीडियो की सीरीज आपको एक जगह मिल जाएगी। ठीक है, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। एब्स्ट्रक्शन की तीन लेवल होती है। एब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है एब्स्ट्रक्ट, मानी किसी चीज़ को निकालना, एब्स्ट्रक्ट करना। ठीक है, तो डेटाबेस एब्स्ट्रक्शन की तीन लेवल होती है कि डेटाबेस एब्स्ट्रक्शन की ये तीन लेवल होती है, एक्सटर्नल लेवल और यू लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और लॉजिकल लेवल, इंटरनल लेवल और फिजिकल लेवल। इन तीनों लेवल से ही डेटाबेस आर्किटेक्चर का निर्माण होता है। तो इस डायग्राम की सहायता से इन तीन लेवल को हम समझते हैं। फर्स्ट लेवल होती है वी लेवल, ठीक है, सेकंड लेवल होती है कंसेप्चुअल लेवल और थर्ड लेवल होती है फिजिकल लेवल। तो व्यू लेवल है वह सबसे ऊपर की लेवल होती है, ये टॉप मोस्ट लेवल होती है डेटाबेस एब्स्ट्रक्शन में। उसके बाद में मिडिल लेवल है, उसको बोलते हैं कंसेप्चुअल लेवल या लॉजिकल लेवल। नीचे वाली लेयर होती है लोवेस्ट लेवल, उसको बोलते हैं फिजिकल लेवल और इंटरनल लेवल। ठीक है, तो व्यू लेवल क्या होती है? व्यू लेवल होती है, देखो ये पढ़ लेते हैं, व्यू लेवल होती है दिस लेवल इज क्लोजेस्ट टू द यूजर। ठीक है, जो व्यू लेवल होती है वह लेवल ही होती है जो यूजर के सामने होती है। मतलब जो लेवल हमें दिखती है, जैसे एक वेबसाइट बनाते हैं उसका एक बैक एंड होता है, एक फ्रंट एंड होता है। तो फ्रंट एंड होता है जो यूजर को दिखता है, एपीआई होती है, ठीक है, यूजर इंटरफेस यूआई होता है, वह क्या होती है? व्यू लेवल होती है, जिससे डायरेक्टली यूजर कनेक्ट होता है। ठीक है, और डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट व्यूज क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक ही समय पर हर एक यूजर को सभी इंफॉर्मेशन डाटाबेस से चाहिए, ये जरूरी नहीं है। किसी यूजर को कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी यूजर को रोल नंबर चाहिए केवल, किसी यूजर को जो यूजर्स हैं उनके नेम चाहिए, किसी को रोल नंबर चाहिए, मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो हर एक यूजर को अलग अलग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हर एक यूजर्स के लिए हम व्यू लेवल पे अलग अलग व्यू क्रिएट करेंगे। जैसे हमने क्रिएट किया तीन यूजर्स है हमारे पास में, तो यूजर फर्स्ट के लिए व्यू फर्स्ट क्रिएट किया, यूजर सेकेंड के लिए व्यू सेकेंड और यूजर थर्ड के लिए व्यू थर्ड क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये लेवल क्या डिस्क्राइब करती है? दिस लेवल डिस्क्राइब्स ओनली ए पार्ट ऑफ द एंटायर डाटाबेस, पूरे डाटाबेस की केवल एक ही पार्ट को डिस्क्राइब करती है। कौन सी लेवल? व्यू लेवल। और ये नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में डिस्क्राइब की जाती है, जिसमें टेक्निकल लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती। सेकंड लेवल आती है हमारी कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल होती है, इसको मिडिल लेवल भी बोलते हैं, ये बीच की लेवल होती है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि ये लेवल, दिस लेवल इज द मिडिल लेवल ऑफ द डेटाबेस एब्स्ट्रक्शन। ठीक है, एंड इस लेवल पे हम क्या करते हैं? इस लेवल पे जो डेटाबेस में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर है, व्हाट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डेटाबेस, ठीक है, ये डिस्क्राइब करती है कंसेप्चुअल लेवल। ठीक है, जैसे उस डेटाबेस में जो डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे नेम स्टोर किया, किसी यूजर का नेम स्टोर किया, किसी यूजर का रोल नंबर स्टोर किया, किसी यूजर का मार्क्स स्टोर किए, तो उन सभी के क्या है, उनके डाटा टाइप्स क्या हैं। ठीक है, ये डिस्क्राइब करती है कि क्या इंफॉर्मेशन स्टोर है और उनमें उनका डाटा भी डाटा टाइप क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें ये लेवल डिस्क्राइब करते हैं, एट दिस लेवल ये डाटा भी डिस्क्राइब्स लॉजिकली रेदर देन फिजिकली। ठीक है, लॉजिकली डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन स्टोर है, हम ये नहीं देखते कि कैसी इंफॉर्मेशन स्टोर है। ठीक है, और इट कंसर्न विद व्हाट इन्फॉर्मेशन केप डाटाबेस, डाटाबेस में कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर है, ये केवल इस लेवल में देखा जाता है। लास्ट लेवल आती है फिजिकल लेवल या इंटरनल लेवल। ये फिजिकल मतलब फिजिकली डाटा कैसे स्टोर है। ठीक है, स्टोरेज मीडियम में स्टोरेज डिवाइस होती है, जैसे हार्ड डिस्क है, ठीक है, उसमें डाटा एक्चुअली किस तरह स्टोर है, जो डाटाबेस स्टोर है उनका डाटा टाइप्स क्या है, ठीक है, कौन से डाटा स्टोर है, कितने बाइट ले रहे हैं डाटा, ठीक है, और ऑफसेट कहाँ से वो डाटा शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये लोवेस्ट लेवल होती है डाटाबेस एब्स्ट्रक्शन की। दिस लेवल डिस्क्राइब्स हाउ द डाटा इज एक्चुअली स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज डिवाइस, किस तरह डाटा एक्चुअली स्टोर है स्टोरेज डिवाइस में डिस्क्राइब होता है। ठीक है,
तो हम इसको एक डायग्राम के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो हमारा ये डायग्राम है, इसके थ्रू हम इसको समझेंगे। ठीक है, जैसे तीन लेवल है, व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। पहले आती है व्यू लेवल। ठीक है, व्यू लेवल पे क्या होते हैं, हम यूजर्स के अलग अलग व्यू क्रिएट करते हैं, ये टॉप मोस्ट लेवल होती है। जैसे यूजर दो व्यू क्रिएट किए हैं दो यूजर्स के लिए, जैसे फर्स्ट यूजर को चाहिए रोल नंबर और नेम। ठीक है, सेकंड यूजर को चाहिए रोल नंबर, मार्क्स और मार्क्स सेकंड चाहिए। ठीक है, तो दो व्यू क्रिएट के लिए ये व्यू। फिर आएगी नीचे वाली कंसेप्चुअल लेवल, ये बताएगी कि जो रोल नंबर और नेम जो यूजर को जरूरत है वो क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर है, व्हाट इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, ये डिस्क्राइब कंसेप्चुअली डिस्क्राइब करती है व्हाट क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर है और उनके डाटा टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये डिस्क्राइब करती है व्हाट इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर है डेटाबेस में। ठीक है, उनके क्या क्या डाटा, उसकी फील्ड क्या क्या है और उनके डाटा टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, उनकी साइज क्या क्या है। फिर थर्ड नंबर की आती है फिजिकल लेवल, ये डिस्क्राइब करेगी, क्या डिस्क्राइब करेगी, ये डिस्क्राइब करेगी हाउ इन्फॉर्मेशन एक्चुअली स्टोर ऑन द स्टोरेज डिवाइस, एक्चुअली स्टोर ऑन द स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, किस प्रकार इन्फॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस में स्टोर है, जैसे उनके क्या क्या उनके फील्ड हैं, उनका कितनी कितनी बाइट ले रहे हैं, जैसे 3 बाइट ले रहा है। ठीक है, ऑफसेट कहाँ से शुरू हो रहा है, पहला रोल नंबर किस से शुरू होगा, 0 ऑफसेट से शुरू होगा। ठीक है, दूसरा कहाँ से शुरू होगा, ठीक है, दूसरा शुरू होगा 3 से, क्योंकि 3 बाइट ले रहा है, और दूसरा जब यहाँ ये ख़त्म होगा तो ये शुरू हो जाएगा, 3 से शुरू होगा। ठीक है, थर्ड कहाँ से शुरू हो रहा है, थर्ड शुरू हो रहा है 28 से, क्योंकि 25 + 3 = 28, तो ये 28 से शुरू होगा। और मार्क्स सेकेंड किस से शुरू होगा, 28 + 3 = 31, तो ये 31 से शुरू होगा। ठीक है, और भी होगा तो इसमें ही जुड़ जाएगा, 31 + 3 + 34 से अगला फील्ड है वो शुरू होगा। ठीक है, तो ये हमारा डायग्रामेटिकली हमने समझा है डाटाबेस एब्स्ट्रैक्शन को। ठीक है।